हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बेसिक मेकअप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेकअप आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आप ऑफिस में भी करके जा सकते हो या आप अपनी कॉलेज में भी करके जा सकते हो। ओके, सो पहले मेकअप करने से पहले हमें अपने लिप्स का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हम पहले अपने लिप्स मॉइस्चराइज करेंगे। मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो ये हुडा ब्यूटी का लिप ग्लॉस है जो मैं अपने डेली रूटीन में यूज करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम ये वाला लिप ग्लॉस जो है वो अपने लिप्स पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है मैं ज्यादातर मैक के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो ये रहा मेरा मैक का प्राइमर जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ। तो पहले हम ये मैक का जो प्राइमर है वो यूज करेंगे। ओके, अब हमारा जो प्राइमर है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम कंसीलर का यूज करेंगे। मैं जो है वो अपने डेली मतलब रूटीन में ये मैक का जो कंसीलर की ट्यूब है वो मैं यूज करती हूँ। तो पहले हम ये जो कंसीलर है वो यूज करेंगे। आप देख सकते हो जो ये कंपाउंड है ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से है। आप इजिली मैक स्टोर में जाके अपने स्किन टोन से हिसाब से आप ये खरीद सकते हो। तो मैं अभी बात कर रही थी कि मैं मैक का मेकअप यूज करती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे मैक का जो प्रोडक्ट है, मैक के जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है। और हम मैक का मतलब प्रोडक्ट अच्छे से एक बार अप्लाई करेंगे, आप थोड़ी आप लेंगे ना प्रोडक्ट और आप यूज करेंगे तो ये बहुत काम करती है। मतलब कि आपको ज्यादातर प्रोडक्ट भी यूज नहीं होगी और आप अच्छे से अपना जो बेसिक मेकअप है वो भी इससे कम से कम प्रोडक्ट में कर सकते हैं। अब आफ्टर यूजिंग दिस हम जो ये मैक का यूज करूंगी ये है हमारा मैक का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन है। तो हम ये लिक्विड फाउंडेशन यूज करेंगे। ये भी हम आप देख सकते हो मैंने ज्यादा नहीं लिया है बिकॉज जैसे कि मैंने बताया आपको मैक में क्वांटिटी आपकी कम जाएगी और आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मतलब काम करेगा। ओके, सो ये जैसे कि लिक्विड फाउंडेशन होता है मैंने बोला, तो ये लिक्विड फाउंडेशन इसकी जो लिक्विड है वो भी ज्यादातर मतलब वो आप देख सकते, आपको पता है कि आप मतलब आप प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो आपको पता है कि मार्केट में ऐसे भी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं जो आपको मतलब पानी पानी जैसा भी फील होता है। फाउंडेशन हो या कुछ भी हो आपको पानी पानी जैसा फील होता है, बट आप मैक की जो आप कंसिस्टेंसी देखते हो उसको वो कभी भी आपको पानी पानी जैसा नहीं लगेगा। और आपको अच्छा मतलब आफ्टर यूजिंग दिट आप 100% एक बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप 100% सेकेंड टाइम यही प्रोडक्ट यूज करोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस मैंने जैसे कि बोला ये बेसिक है तो मैं ज्यादा मतलब कुछ बेसिक में ज्यादा नहीं करती हूं। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस हम जाएंगे अपने लास्ट मतलब प्रोडक्ट की तरफ। ये जो प्रोडक्ट है ये है मेरा पाउडर कंपाउंड जो आप मतलब लूज पाउडर जैसा आप बोल सकते हो वो मैं यूज करती हूँ, कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ। तो ये कॉम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा डिप डैप कर देंगे कॉम्पैक्ट को क्योंकि ज्यादा मतलब ज्यादा हमको ब्राइट नहीं करना है, ये हमारा डेली मेकअप है तो हम ज्यादा उसको ब्राइट करेंगे नहीं। ओके, आफ्टर डूइंग दिस मेक नॉर्मल मेरे पास लाइनर वगैरह होती है, मतलब मैं लाइनर ज्यादा से यूज नहीं करती हूँ डे टू डे में। मतलब ये सभी तीन चार जात की काजल है जो मैं यूज करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं लैक्मे की काजल जो है वो यूज करती हूँ। काजल आप कोई भी यूज करो, मतलब ऐसी यूज करो कि जिसके जिससे आप इजीली आप कंफर्टेबल हो सको। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने कंफर्ट से मतलब कंफर्ट हो सको तो यूज करो, नहीं तो नहीं। बिकॉज मेकअप जो चीज है वो ऐसी है कि आप कंफर्ट होने चाहिए। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस काजल मैं लास्ट अपना जो है उसकी तरफ जाऊंगी लिपस्टिक। अब लिपस्टिक की बात करें तो आप अपने जो डेली डे टू डे मतलब है उसमें आप ऐसे सीड यूज कर सकते हो। ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है जो मैं यूज करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
तो ये वाली जो आप देखे, तो ये वाले शेड्स जो है वो आप अपने डेली, मतलब ब्राइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप ये वाली देखो, ये और ये एक है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये वाली यूज करती हूँ बिकॉज ये कलर जो है आई लाइक दैट मोर। ओके, सो नाउ लास्टली जो है वो हम हमारे हेयर जो है वो सेट कर लेंगे और वी आर रेडी फॉर डे टू डे मेकअप। अब हमको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है डेली के रूटीन में, हम यही इजिली जो हम कैरी कर सकते हैं वो वाला मेकअप हमें चाहिए होगा। ओके, सो आपको जो अच्छा लगा हो ये वाला तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप ऐसे ही आपको कोई अलग अलग टाइप के मेकअप्स या फूड चैलेंजेस कराने हो मेरे से तो प्लीज कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू।